मुझसे वादा कर। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है महावीर वैष्णव, आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। आपके लिए लेके आया हूँ आज Redmi Note 7 के बारे में। यार क्या फोन है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, द बेस्ट फोन इंडियन में होने वाला है, जब आने वाला है मार्केट के अंदर। चाइना में लॉन्च हो गया है, क्या इसकी कमाल बातें, क्या है इसका कैमरा वगैरह परफॉर्मेंस और क्या है कमाल की प्राइस, तो जानते हैं इसी वीडियो में, चलिए देखते हैं। दोस्तों जो Xiaomi और Redmi दोनों थे कंपेयर में, तो दोनों हो गए अलग अलग। अब हो गया है Redmi to Xiaomi, दोनों हो गए अलग। Redmi से Xiaomi दोनों अलग अलग हो गए, दोनों ब्रांड अलग अलग कर दिए दोनों ने। अपनी Redmi जो है वो है थोड़ा बजट कम रेट के फ़ोन लाने वाली, और Xiaomi जो है वो बड़े बड़े रेंज के फ़ोन लाने वाली। तो दोनों अलग अलग हो गए Redmi to Xiaomi। तो पता करते हैं यार Redmi का जो खुद का पहला फ़ोन आ रहा है वो क्या बात है यार, क्या कमाल की परफॉर्मेंस है, क्या कमाल की इसकी प्राइस है। तो देखते हैं इसका क्या है खास। 6.3 इंचेस की फुल डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर, स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर दिया हुआ है, यू टाइप मतलब आपको मिल जाएगी यू टाइप, ऊपर नॉस वाली डिस्प्ले मिल जाएगी। तो यार इस प्राइस के अंदर ये फ़ोन आ रहा है तो क्या कमाल बात है। 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, तो फुल डिस्प्ले मिल जाएगी, 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। जो आप पहले Redmi और अलग अलग ब्रांड अपने अपने फ़ोन निकालती थी तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार कुछ इसमें ये होता तो अच्छा रहता, कुछ ये होता तो अच्छा रहता, मगर Redmi ने सब कुछ मिला के एक में ही दे दिया है इतनी कम प्राइस में। क्या बात है यार, इतनी कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी डिमांड के अंदर ये जो Redmi है क्या। और बहुत ही कमाल की बात है यार, Redmi जो है सबको बीट कर दिया है। जो फ़ोन आ रहे थे अलग अलग रेंज के अंदर अलग अलग, हालांकि इस प्राइस में अंदर बहुत ही कमाल का फ़ोन है, स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सोचा था कि कुछ Xiaomi और बड़ा लेके आएगा, Xiaomi चेंज हो गया, अब Redmi हो गया, Redmi अलग ब्रांड हो गई है। तो मैंने सोचा कुछ अलग लेके आएगा Xiaomi और प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। जब ये लॉन्च इवेंट हो रहा था तो मैं लाइव देख रहा था, तो तब ये जो बता रहे थे 48 मेगापिक्सल कैमरा और ये होने वाला है, ये होने वाला है, और जब प्राइस लास्ट में चुनी ना तो सब देखते ही रह गए क्या प्राइस लॉन्च की है यार। 48 मेगापिक्सल जो आपको ड्यूल डिस्प्ले कैमरा मिलता है, और आपको उसके अंदर ड्यूल डिस्प्ले कैमरा जो बात है 48 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल सोनी का सेंसर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। आगे का कैमरा जो सेल्फी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है, इसमें थोड़ा 25 कर लेता ना तो मज़ा आ जाता यार, थोड़ा 13 कर लेता, थोड़ा 25 कर लेता तो और भी मज़ा आ जाता फेस क्लियरिटी लेने के लिए और सेल्फी लेने के लिए। तो 48 मेगापिक्सल द बेस्ट कैमरा होने वाला इस Redmi के अंदर। तो यार कमाल बात है यार, इतनी कम प्राइस में इतनी लक्षण दे दिए, जो होता है ना कि कमबैक आया एक। अगर आपने यस की मूवी देखी होगी, KGF नहीं देखी है ना, उसका ट्रेलर है, एक बहुत ही कमाल यार, बहुत ही गजब मूवी है। उसके अंदर एक डायलॉग है कि ये डायलॉग आप सुन लो वीडियो में, मुझसे वादा कर तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत तो दुनिया सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। और है तू ही पर। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। तो ये डायलॉग है उसका कि बस नहीं रे, विलन है वो, विलन सबका बाप आ गया इस मार्केट के अंदर। और प्राइस दोस्तों बात की जाए, 3 GB रैम 32 GB की प्राइस की बात की जाए तो 999 yuan, मतलब ये आने वाला है 10,400 के अंदर। जो 4 GB रैम 64 GB रेवेज की बात की जाए तो वो आता है 12,000 कुछ चिलर में, और 6 GB रैम 64 GB वो आने वाला है 14,000-15,000 के रेंज में। तो बस 15,000 रेंज के अंदर आप कौन सा भी मोबाइल लेना चाहो ना, 48 मेगापिक्सल में किसी में नहीं मिलता है। तो Redmi ने अपना ये कर दिया है 48 मेगापिक्सल, तो कमाल बात है यार। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ड्यूल सिम मिलती है आपको इसके अंदर, आप या तो मेमोरी कार्ड डालो या फिर आप एक सिम डालो या ड्यूल सिम डालो। आजकल यार बहुत सारे ड्यूल सिम में काम चल जाता है, 32 GB इंटरनेट दे दी है तो इसमें कुछ खास बात है नहीं, तो सर कोई वही चल रहा है। और सबसे हाईलाइट है वो है 48 मेगापिक्सल कैमरा। तो कब तक आता है इंडिया में, क्या प्राइस में आता है, और किस तरह ये लॉन्च होता है, और किस पे ये आपको मिलता है, ऑनलाइन पे फ्लिपकार्ट में मिलता है या अमेजोन पे वो मिलता है, और बस जानिए इसकी प्राइस और कब तक आने वाला है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग आ जाएगी आपको मेरी तरफ से जब भी मेरे पास मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या उत्साहित है, आप ये जो प्राइस रखी है इस रेंज के अंदर और स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर दिया हुआ है और
48 मेगापिक्सल कैमरा, इन तीनों में से आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी और आपको ये प्राइस बेहतर लगी या कुछ और तो कुछ होना ही नहीं चाहिए यार, इतनी कम प्राइस दे दी और प्राइस में तो आपको कुछ होगा नहीं, और क्या चाहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और 4000 mAh बैटरी जो है उसके अंदर आपको सी टाइप यूएसबी सी मिल जाती है, जो सारे परफॉर्मेंस है ना कि भाई यूएसबी क्या मिलेगी, और जो फास्ट चार्जर्स आपको एक घंटे में बस हो जाएगा 1 to 100% चार्ज, और सी टाइप की प्रोटेक्शन दी हुई, सी टाइप की उसके अंदर केबल दी हुई, तो बहुत ही कमाल बात है इस प्राइस में सी टाइप की केबल, मज़ा आ गया, रेडमी ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। बस बाकी कंपनी का क्या होगा नहीं पता यार, मगर इसने तो कमाल कर दिया इस मार्केट के अंदर। दोस्तों आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर करिए, और कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिए। और कब तक आने वाला है इंडिया के अंदर नोट 7, मैं आपको सबसे पहले न्यूज़ दे दूँगा, और अमेजोन पे अवेलेबल है या फ्लिपकार्ट पे, तो मैं आपको सब इंफॉर्मेशन दे दूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।